कहे आप अच्छे बुरे मायने नहीं रखता, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहे तुम अच्छे तुम्हें डबल अच्छा, तुम बुरे तुम्हें डबल बुरा। तो भगवान ने तो इतने अवतार ही इसलिए लिया, आप अपने हिसाब से अवतार चुन लीजिए। कोई कहे कि हमको नियम के अंदर रहना पसंद नहीं, कृष्ण को चुनिए, सारे नियम तोड़े उन्होंने लेकिन धर्म के लिए। श्री राम नियम के अंदर रहकर काम करते, करना दोनों को ही धर्म के लिए है सब कुछ, लेकिन अपने अपने तरीके हैं। तो तरीके आप खुद चुन सकते हैं, मंजिल सबकी एक ही है, रास्ते आप खुद चुनिए। तो कामदेव यहां पर कह रहे हैं कि आप तब मर्यादा में थे, मैं कुछ कर ना सका। तो भगवान कहते अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया, सब कुछ मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। कामदेव ने कहा सुंदर गोपियां। देखिए ऐसे तो सबको पता है कि गोपियां बहुत सुंदर थी, पर कितनी सुंदर, तो उनकी सुंदरता बताई गई है। अगर आपको किसी को बहुत सुंदर कहना है तो आप क्या कहते हैं? एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बताओ। अप्सरा। क्या कहते हैं? अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहां होती है? स्वर्ग में। अगर बहुत ज्यादा नहीं है कुछ है, तो गोपियों की सुंदरता बताई गई है कि स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं सबकी सुंदरता मिला दो, एक की सुंदरता नहीं, उन सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी, तो वो कहे हर चीज मेरे हिसाब से है। तब भगवान ने कहा कर लो कोशिश। उसने बहुत परिस्थितियां पैदा करी पर एक का भी असर नहीं हुआ। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं।